नमस्कार, डिफेंस स्टडी जोन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एनडीए की परीक्षा में कौन सा भाग कितने नंबर का होता है। हमारे एनडीए की जो परीक्षा पैटर्न होता है, इसके ऊपर मैं पहले एक पूरा वीडियो आपके ऊपर डाल चुका हूं कि एनडीए में कितने पेपर होते हैं और कौन से किस हिसाब से होते हैं, वो सारी जानकारी पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए की परीक्षा में कौन सा भाग कितने नंबर का होता है, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है और कौन कौन से भाग इसमें आते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। ये वीडियो आगे शुरू हो उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ठोकना, घंटी को दबाना और लाइक वाटिल ठकन को घंटा मारना, मुक्का मारना मत भूलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को प्यार से। चलिए, सबसे पहले एनडीए की परीक्षा में एनडीए में कौन सा भाग कितने नंबर का होता है, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है, हमारे पास पेपर फर्स्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स होता है, पिछले वीडियो में मैंने परीक्षा पैटर्न में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैथमेटिक्स होता है इसके अंदर हमारे 120 क्वेश्चन होते हैं। कितने सवाल होते हैं, जोर से बोलो, 120 सवाल होते हैं पहले पेपर के अंदर, जहां पे आपको दिया जाता है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम। ये पेपर जो होता है आपका 120 सवाल होते हैं आपके 300 नंबर के। दोस्तों पहला पेपर कितने नंबर का हुआ, बोलो 300 नंबर का। ये 300 नंबर ही हमें लेके जाने वाले आगे। ठीक है दोस्तों, 300 नंबर का पेपर होगा, यहां पे एक सवाल कितने नंबर का हुआ वो आप यहां पे निकाल सकते हैं। 300 सवाल 300/120, सॉरी यहां पे कैसे निकालोगे, एक सवाल, सॉरी 300 हमारे होते हैं 120 के, तो हमारा 120 होते हैं 3 के, तो 1 हमारा होगा, तो x का जो 300/120 हो गया भाई, कितना हो गया x बराबर 300/120। तो निकालो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो ये हो गया 2 और ये बच गया 8, 0 12 दूनी 24 तो मतलब 2.5 के समथिंग लेके चलो मेरे भाई, 2.5 नंबर का एक सवाल हमारा यहाँ पे होता है। कितने नंबर का होता है एनडीए में, हमारा एक सवाल होता है 2.5 नंबर के समथिंग, 2.5 नंबर्स का। ठीक है, आप सभी के सामने मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो वीडियो 1-2 सेकंड 1-2 मिनट थोड़ा बढ़ सकता है, कहीं जाइएगा मत। पहला पेपर मैथमेटिक्स 120 सवाल 2.5 घंटा 300 नंबर, हर एक सवाल 2.5 नंबर का, और यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.83 की। जी हां, 0.83 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है। एक सवाल गलत, -0.3 तो माइनस होंगे ही, प्लस सवाल के 2.5 पे माइनस हो जाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिएगा पेपर को मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा पहला पेपर हो गया जो इतने नंबर का होता है, इसका पता लग गया। दूसरा जो पेपर होता है GAT, इस GAT में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, पहला होता है हमारे पास इंग्लिश, दूसरा हमारे पास होता है GK प्लस GS प्लस करंट अफेयर्स। क्या होते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स। ठीक है मेरे भाई, दूसरा हमारा होता है करंट अफेयर्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आती है इंग्लिश की बात, इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में हमारे होते हैं यहां पर 50 सवाल। कितने सवाल होते हैं इंग्लिश में, होते हैं 50 सवाल। 50 सवाल हमारे यहां पे कितने नंबर के होते हैं, 200 नंबर के। ठीक है, तो एक सवाल कितने का हुआ, 200/50 किया, तो 4 नंबर का एक सवाल हुआ हमारा। कितने का, 4 नंबर का एक सवाल हुआ। ठीक है मेरे भाई, 50 सवाल। इस पूरे पेपर के लिए हमें मिलते हैं 2 घंटे 30 मिनट, पूरे 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको, प्लस जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये तीनों आपके होते हैं 100 सवाल, जिसमें आपको नंबर मिलते हैं 400। कितने हो गए, 400 नंबर का ये पूरा जीके जीएस और करंट अफेयर्स का आपका होता है 400, यानी हर एक सवाल कितना हुआ आपका, एक नंबर हुआ, चार, एक सवाल 4 नंबर का आपका हुआ। यहां पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1.33। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है।
एक बार मैं वापस पूरे जोश के साथ जरूर के साथ ये बताना चाहूंगा कि एनडीए में कौन सा पेपर किस भाग का, यानी कौन सा भाग कितने नंबर का होता है। पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स जो 120 सवाल के साथ ढाई घंटे के लिए दिया जाता है, 300 नंबर का पेपर यानी हर एक सवाल ढाई नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.83 होती है मेरे भाई। दूसरा पेपर जिसे जीएटी, ढाई घंटे का पेपर, कुल 600 नंबर, पोर्शन होते हैं दो, पहला पोर्शन इंग्लिश 50 सवाल 200 नंबर यानी हर एक सवाल चार नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1.33। दूसरा सेक्शन इसी का जीके जीएस करंट अफेयर्स का होता है, जीके के अंदर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पूछी जाती है, आपके पास जीएस के अंदर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और करंट अफेयर्स आप जानते हैं चर्चित नए ताजा मुद्दे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारे होते हैं। कुल 100 सवाल 400 नंबर यानी हर एक सवाल चार नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1.33 होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनडीए में कौन सा भाग कितने नंबर का होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा एक और किसी इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।